फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश परेशान है, लेकिन इस बीच सरकार ने आम आदमी के लिए राहत की कई खबरें दी हैं। आइए 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि सरकार से क्या राहत मिलने वाली है और वो हमारी जिंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के ATM से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म कर दिया है, मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेस को घटा दिया गया है, इसका मकसद है डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। इसके साथ ही सरकार ने आधार पैन लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 जून 2020 कर दी है। गौरतलब है कि अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। कहने का मतलब है कि 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग कराई जा सकती है। और इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून तक कर दिया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह के विवाद हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018 और 19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी। अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज की दर को 12 से घटाकर 9% कर दिया है। हालांकि TDS डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भी भरे गए TDS के लिए ब्याज दर को घटाकर 9% कर दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में ये 18% है। GST फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है। दरअसल मार्च, अप्रैल और मई के लिए GST रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 करोड़ से कम लागत टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी लेट GST रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि 15 दिन के बाद उन पर ब्याज, पेनल्टी और लेट फीस 9% की दर से लगेगी। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम का लाभ के लिए भी डेडलाइन 30 जून कर दी है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे 7 दिन होगा। कॉर्पोरेट को राहत देते हुए सरकार ने कहा कि बोर्ड 60 दिन के लिए टाला जा सकता है। यह राहत फिलहाल अगले 2 तिमाही के लिए है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि ये जल्दी होगा, इसमें देर नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं की है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।